तो हेलो गाइस, आज हम फिर से वाला है माइनक्राफ्ट और आप लोग देख रहे हो माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 43। तो गाइस, आज हम अपने विलेजर से ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में अपने विलेजर के लिए ट्रेडिंग फार्म हॉल बनाया था। तो गाइस, आज हम उस ट्रेडिंग हॉल से अपने विलेजर से ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो चले गाइस, उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं। उससे पहले आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो ये डर्ट, जिसका नाम क्या है, पॉटजोल। ये मुझे उस वो जो ट्रेडिंग करने आता है उसने दी थी, तो उसने दी नहीं थी, उससे मैंने ली थी एमरल्ड्स देकर। तो ये देखते हैं, पता नहीं कहाँ काम आएगी। और गाइस, मैंने यहाँ से इग्नेट ले लिए, नगेट ले लिए जो कि हम अभी इग्नेट में बनाएंगे, और यहाँ से एमरल्ड ले लेते हैं क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है, या फिर एंशेंटेड बुक्स लेने के लिए। तो यहाँ से और हमें क्या चाहिए, तो और तो हमें कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस, अभी मैं जल्दी से इग्नेट का नेगेट का इग्नेट बना देता हूँ जल्दी से यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर इग्नेट मैंने बना दिए, आप देख पा रहे हो नेगेट के, और 8 नेगेट बच गए, तो इनको यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ये प्लेट देखी, ये प्रेशर प्लेट, तो ये मैं सोच रहा हूँ ये क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हो हमारे जितने भी डोर हैं उनमें प्रेशर प्लेट लगी हुई है। तो मैं इनको चेंज करके इसको लगा देता हूँ गोल्ड की, तो अच्छा दिखेगा। तो गाइस, आप देख पा रहे हो लगाने पर कितनी अच्छी दिख रही है। तो ऐसे ही मैं उस साइड भी लगा देता हूँ, और ये हमारे डोर के वो हैंडल होते हैं उससे भी मैच कर रही है। तो यहाँ पर इस साइड भी मैं लगा देता हूँ, वैसे उस वाले से ये अच्छी दिख रही है। तो चले गाइस, ऐसे ही मैं इसको नीचे भी लगा देता हूँ। तो उससे पहले हमें यहाँ पर कोई सामान तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एमरल्ड है, और क्या, और हमें पेपर चाहिए जो कि हमारे शुगर केन फार्म से मिल जाएगा। तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं चाहिए। तो चले गए, अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे, और इस प्रेशर प्लेट को लगा देते हैं इस गोल्ड वाली को वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल वाली है इसको रख देता हूँ, इसको भी यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये इग्नेट भी रख देता हूँ नेगेट। और गए, अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस, ये हमारा पैरेट और वो दो कैट हमारी उस चेस्ट पे बैठी हुई। तो गाइस, अभी इनको यहाँ पर तोड़ देते हैं। और गाइस, मैंने वो गोल्ड वाली प्रेशर प्लेट भी उसके अंदर रख दी, तो वो मैं लेकर आता हूँ और इनको यहाँ वहाँ पर रख कर आता हूँ। तो चलिए गाइस, यहाँ से मैं इस प्रेशर प्लेट को ले लेता हूँ, सिर्फ हमें दो ही चाहिए। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देता हूँ और ये दो ले लेता हूँ, और ये जो नॉर्मल वाली है इसको भी रख देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो चले गए, अभी हम चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इस प्रेशर प्लेट को लगा देता हूँ। तो चले गए, अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर, और अपने शुगर कैन फार्म से हम शुगर कलेक्ट कर आते हैं, मतलब शुगर कैन कलेक्ट कर आते हैं। और गाइस, मैं इस साइड कहाँ जा रहा हूँ, हमारा शुगर कैन फार्म तो इस साइड है, तो मैं पता नहीं कि उस साइड क्यों जा रहा था। तो चले गए, अभी हम अपने शुगर कैन फार्म के पास आ चुके हैं, तो यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैं जल्दी से बहुत सारे शुगर कैन कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ये सब कलेक्ट कर लेता हूँ, जितना हो पाता है उतना कर लेता हूँ। तो गाइस, इतना तो बस रहेगा, अभी इसको भी कर लेता हूँ। और अभी हम चलते हैं यहाँ से दोबारा घर पर, और घर पर जाकर हम पेपर बनाते हैं इन शुगर कैन के, और फिर हम चलते हैं विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए। तो चले गए, हम घर पे आ चुके हैं, और अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर जल्दी से। तो चले गए, हम यहाँ पर ऊपर भी आ चुके हैं, और अभी हम चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास, और यहाँ पर मैं जल्दी से सारे शुगर कैन के पेपर्स बना लेता हूँ। तो गए, यहाँ पर मैंने सारे शुगर कैन के पेपर्स बना दिए, आप देख पा रहे हो, और एक शुगर कैन बच गया है, तो उसको हम रहने देते हैं यहाँ पर। और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, देख लेते हैं एक बार कुछ चाहिए। हाँ, तो गाइस, हमें बुक्स भी चाहिए, तो मैंने पहले ही बना कर रखी है। और तो हाँ, तो गाइस, और हमें खाना भी चाहिए, तो यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर है। तो गाइस, ये रहा, ये 6 वाला ले लेते हैं। तो चले गाइस, अभी हमने सारा सामान ले लिया है, और इस खाने को यहाँ पर रखते हैं, और अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे। चले गए, अभी हम अपने पेपर्स को लेकर जल्दी से चलते हैं विलेजर के पास,
और उनसे ट्रेडिंग करके लेकर आते हैं कुछ एनचेंटेड बुक्स। हम फिर उन एनचेंटेड बुक्स से अपने वेपन को या टूल्स को अपग्रेड करेंगे। और गाइस एक तो विलेजर भी हमेशा गेट खोला रख देते हैं, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। और आप देख पा रहे हो ये हमारा वो ट्रेडिंग हॉल ऊपर की तरफ, और ये तो हमारा नॉर्मल वर्क स्टेशन है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने फेंस लगा दी और यहाँ पर गेट भी लगा दिया है ताकि वो दूसरे जो विलेजर यहाँ पर ऊपर ना आए। तो गाइस यहाँ पर मैंने आर्मर वालों को भी रख दिया है और यहाँ पर हम लाइब्रेरियन से ट्रेडिंग करेंगे। तो चले गाइस यहाँ से मैं इसके पास से एमरल्ड ले लेता हूँ। ये कितने दे रहा है। तो गाइस ये तो थक गया इतनी जल्दी। तो ये कौन सी बुक? तो गाइस ये फॉर्च्यून 2 दे रहा है, तो मैं ये भी ले लेता हूँ। 12 एमरल्ड लेगा, वैसे भी मेरे सब पास बहुत सारे एमरल्ड पड़े हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने फॉर्च्यून 2 भी ले लिया है। और ये क्या दे रहा है हमें? कार्टोग्राफर। तो गाइस ये भी वो एमरल्ड ही दे रहा है पेपर के बदले, तो ये मैं जल्दी से एमरल्ड भी ले लेता हूँ। और एक एम्प्टी मैप कुछ दे रहा है, तो वो तो नहीं चाहिए हमें। तो गाइस अभी इस वाले लाइब्रेरियन से ट्रेडिंग करते हैं। और आज मैं सिर्फ लाइब्रेरियन और कार्टोग्राफर से ट्रेडिंग करने वाला हूँ क्योंकि मैं सिर्फ पेपर ही लाया हूँ। तो ये इन्फिनिटी 1 दे रहा है, तो ये भी ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एमरल्ड्स भी ले लिए और अभी ये इन्फिनिटी 1 ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने 2 इन्फिनिटी 1 ले लिए, तो अभी तो ये कुछ नहीं दे रहा है। और इसका लेवल 2 भी ओपन हो चुका है और ये लेवल 2 में सिल्क टच दे रहा है, तो ये भी ले लेता हूँ क्योंकि सिल्क टच से हम कोई भी ग्लास को कलेक्ट कर लेते हैं तोड़ने के बाद। और ये क्या दे रहा है हमें? तो ये भी वही सेम पेपर के बदले एमरल्ड। और इसके पास तो बुक शेल्फ है, तो वो तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि बुक शेल्फ का उतना काम नहीं पड़ता हमें। और यहाँ पर मैंने इतनी सारी बुक्स ले ली है, सब 2-2 ली है। तो गाइस यहाँ पर मैंने 2 इन्फिनिटी और 2 सिल्क टच और 2 फॉर्च्यून लिए, फॉर्च्यून 2 लिए। तो गाइस अभी इस वाले कार्टोग्राफर से करते हैं ट्रेडिंग, देखते हैं ये क्या देते हैं। तो यहाँ पर ये भी सेम पेपर के बदले एमरल्ड, तो इसके पास से भी ले लेते हैं। तो गाइस अभी हमने उस वाले से ट्रेडिंग कर लिया और इस ये लास्ट विलेजर है हमारा, तो इसके पास से ले लेते हैं क्या दे रहा है ये। ये भी वही देगा एमरल्ड। ये बुक्स कौन सी दे रहा है? तो ये तो बुक शेल्फ दे रहे हैं, तो अभी मैं इससे सिर्फ एमरल्ड ले लेता हूँ जल्दी से। भैया दे क्यों नहीं रहा है? ओह तो गाइस हमारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो इससे इन सब से मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग तो कर लिया और हमें बहुत सारी बुक्स भी मिल गए। तो गाइस अभी हम यहाँ से चलते हैं और ये आर्मर वाले इनसे भी ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये रख लेता हूँ एमरल्ड्स। तो अभी ये क्या दे रहा है? अभी ये कुछ आयरन की दे रहा है आइटम, आयरन पैंट दे रहा है। और ये कोल के बदले एमरल्ड देता है, तो इससे हम तो बाद में ट्रेडिंग करेंगे। और ये क्या दे रहा है? और गाइस ये लैंटर्न दे रहा है, तो लैंटर्न तो हम ऐसे ही क्राफ्ट कर लेंगे। और गाइस मैं इसको बुक्स देकर एमरल्ड ले लेता हूँ। और इसका भी लेवल 2nd हो गया है, तो इसीलिए वो लैंटर्न दे रहा है। और ये क्या दे रहा है? एम्प्टी मैप ही दे रहा है शायद से, देखते हैं एक बार। तो गाइस मैंने इससे एम्प्टी मैप खरीद लिया है सेट से। हाँ गाइस ये एम्प्टी मैप ही है, तो इसका क्या करेंगे? तो चले गाइस अभी खरीद तो लिया है, अभी देखते हैं इसका क्या करते हैं। और ये तो सब वही है। और ये क्या दे रहा है हमें? एक मिनट मैं एमरल्ड हाथ में रखता हूँ। अभी क्या दे रहा है? तो गाइस ये क्या दे रहा था? ये भी वही बुक्स देकर मैं ले लेता हूँ एमरल्ड। और इसका लेवल 3 होने वाला है गाइस, फिर ये हमें ये ब्लैक डाई देगा। और ये तो बुक शेल्फ दे रहा है और ये कार्टोग्राफर वही है। हाँ ये एम्प्टी मैप दे रहा है, तो एम्प्टी मैप तो हमें नहीं चाहिए। और ये भी बुक शेल्फ दे रहा है। और गाइस ये एरो दे रहा है, तो एरो
इसका तो लेवल अभी बढ़ा भी नहीं कुछ भी, तैयार हो तो हमें नहीं चाहिए। तो गाइस अभी रात भी हो चुकी है, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे, और नीचे किसी विलेजर के घर पे जाकर सो जाते हैं। और गाइस यहाँ पर ज़ॉम्बी क्या कर रहा है? तो गाइस ये यहाँ पर आया कैसे और स्पॉन कैसे हुआ पहली बार, कि यहाँ पर इतनी टॉर्चेस मैंने लगाई है फिर भी स्पॉन हो गया। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर। तो गाइस यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं और अभी हम सो जाते हैं। तो चले गए, यहाँ पर सुबह हो चुकी है और सारे विलेजर अपने काम पे निकल चुके हैं। तो अभी हम भी चलते हैं यहाँ से और यहाँ पर एम्ब्रेड ले लेते हैं, देखते हैं ये क्या देता है। तो गाइस मैं इनसे भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेता हूँ, हो सकता है इनसे हमें कोई और बुक्स मिल जाए। तो वहाँ पर हो गया लाइब्रेरियन वर्क स्टेशन में। तो ये रहे गाइस, ये रहा एक लाइब्रेरियन, तो यहाँ पर तो इससे मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो ऐसे स्माइट 4 दे रहा है। तो चले गए यहाँ पर जितने भी लाइब्रेरियन हैं उनसे मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर लेता हूँ और उनके पास से भी ऐसे ही बुक्स ले लेता हूँ। तो चले गए, अभी मैंने लाइब्रेरियन से ट्रेडिंग कर ली और अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर। तो गाइस उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बुक्स दी, बहुत 2-3 दी है, स्माइट 4 वैसे और भी बहुत दी। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे। तो गाइस अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे। ये हमारा सीक्रेट बेस, मतलब ये स्टोरेज एरिया, यहाँ पर सिर्फ पूरे में चेस्ट ही रखी हुई आप देख पा रहे हो। तो गाइस ये भी बहुत जल्दी अरेंज करना है, सारी चेस्ट को अरेंज करना है। तो यहाँ पर इतनी सारी बुक्स है मेरे पास। तो अभी यहाँ से मैं क्या चाहिए हमें, तो मैं आयरन चाहिए थोड़ा बहुत, ये मुझे एक पिकक्स बनानी है। तो यहाँ पर स्टिक नहीं है क्या? तो इसके अंदर भी स्टिक्स नहीं है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पिकक्स बनाऊंगा और उसके अंदर मैं सिल्क स्टच लगा दूंगा, ताकि जो भी हमें ग्लास व्लास तोड़ना पड़े तो उससे तोड़ेंगे। क्योंकि इसके अंदर तो फॉर्च्यून 3 है ना, हाँ फॉर्च्यून 3 और मेंटिंग लगा हुआ है इसलिए। तो चले गए, अभी मैं ऊपर जाकर स्टिक्स लेकर आता हूँ। तो गाइस अभी मैं यहाँ से ऊपर से नीचे आ चुका हूँ, और गाइस मैं गया तो स्टिक लेने था पर मुझे स्टिक मिली नहीं और मैं डायमंड लेकर आ गया, क्योंकि मैंने सोचा कि डायमंड की पिकक्स बना देते हैं, आयरन की बहुत स्लो काम करती है। तो गाइस अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लैंक्स तो पड़े हैं गाइस, तो यही से हम बना सकते हैं स्टिक्स। और मैं 6 डायमंड भी ले आया क्योंकि हमें एक्स भी बनानी है, क्योंकि आपको पता है मैं एक्स यूज़ नहीं करता, तो आज हम एक्स भी बनाएंगे। तो पहले स्टिक्स बना लेते हैं। तो चले गए, यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्टिक्स बना दिए, तो इतनी तो बहुत रहेगी। तो अभी यहाँ पर मैंने एक पिकेक्स भी क्राफ्ट कर लिया और एक एक्स बना देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर एक्स और पिकेक्स क्राफ्ट कर लिए। हाँ गाइस, तो चले गए इस पिकेक्स को यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी हम इसके अंदर लगा देते हैं सिल्क टच। तो गाइस ये तो चावल है, ये रही पिकेक्स, और इसके अंदर हम लगा देते हैं सिल्क टच। तो गाइस सिल्क टच कहाँ गई हमारी, तो ये रही सिल्क टच और इसके अंदर लगा देते हैं। 4 XP हमारी गई। तो गाइस यहाँ पर इसके अंदर तो फॉर्च्यून 3 और मेंडिंग 1 है। और गाइस यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी बुक है, इन्फिनिटी 1, फॉर्च्यून 2। फॉर्च्यून 2 तो पता है पिकक्स में लगता है, और ये स्माइट 4। तो गाइस ये इन्फिनिटी 1 और स्माइट 4 किस में लगता है ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, और ये रेस्पायरेशन 2 भी। तो अभी मैं आज सिर्फ सिल्क टच और शार्पनेस नहीं मिला ना मुझे, तो सिल्क टच मैंने यहाँ पर शॉवल में भी लगा दिया है। तो गाइस अभी इतना ही था लगाने का, और मुझे आज कुछ ढंग के बुक्स नहीं मिले। तो चले गए, अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम ऊपर पहुँचने वाले हैं। चले गए, यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस अभी हमें यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सामान बचा उसको रख देते हैं यहाँ पर, मतलब ये बुक्स तो मैं नीचे रखूँगा उस वाली चेस्ट के अंदर जो हमारी एन्चेंटिंग रूम में है, और ये एक्स तो अपने पास ही रख देता हूँ, और ये स्टिक्स और ये प्लैंक्स ये सब रख देता हूँ जो अभी हमारे काम का नहीं है। तो टॉर्चेस रख लेता हूँ अपने पास,
और ये क्या था वो फ्लावर। तो चले गए, यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से दोबारा नीचे। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपनी एन्चेंटिंग रूम में और इन सारी बुक्स को इस वाली चेस्ट के अंदर रख देते हैं ताकि हमें पता रहे सारी एन्चेंटिंग बुक्स से ही भरें। तो यहाँ पर ये मैं सारी रख देता हूँ। और गाइस यहाँ पर मैंने कई पर शार्पनेस 3 देखी थी, ये रही गाइस। तो यहाँ पर ये शार्पनेस 3 ले लेता हूँ क्योंकि हम इसको अपनी स्वॉर्ड के अंदर लगा देंगे। तो चले गए यहाँ पर ये रही और ये शार्पनेस 3 इसको रहने देता हूँ और ये फॉर्च्यून 2 इसको भी रख लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं एक बार अपनी स्वॉर्ड को अपनी एन्चेंटिंग टेबल में रख कर देखता हूँ क्या आता है इसका। तो यहाँ पर स्वॉर्ड को रखता हूँ और ये रहा लैपिस लाजुली। तो ये क्या ब्रेकिंग 1 और ये क्या आ रहा है ब्रेकिंग 1 और स्माइट कुछ आ रहा है। तो ये तो सब हमें नहीं चाहिए। तो ये लैपिस लाजुली यहाँ पर दोबारा रख देता हूँ। तो चले गए अभी हम चलते हैं अपने एनविल के पास और ये शार्पनेस 3 अपने स्वॉर्ड में लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ से हम चलते हैं एनविल के पास। तो ये रहा हमारा एनविल। तो यहाँ पर रखते हैं स्वॉर्ड। तो ये रहा स्वॉर्ड और ये रहा शार्पनेस 3। तो गाइस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड शार्पनेस 3 लग चुका है और गाइस अभी इसका डैमेज भी बढ़ चुका है। तो यहाँ पर शार्पनेस 3 लग चुका है और इसके अंदर सिल्क टच लग चुका है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो चले गए अभी हम यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर बाहर बारिश भी हो रही है। तो इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं ये चेस्ट ट्रैप डोर। तो यहाँ पर ये भी इसको भी बंद कर देते हैं। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर सारा ट्रैप डोर बंद कर दिया है। तो चले गए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी दबा देना। और हाँ गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चले गए तब तक के लिए बाय बाय। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll